रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967 पहले पेज की मध्यांत के आदि में बात चल रही थी। बच्चे बहुत गिरते हैं, माया से हार खाते हैं, तो उसका तरीका बताया कि माया की मत पर मत चलो। माया की मत पर चलते हो तब ही हार खाते हो, धोखेबाज है क्या? और वो माया की मत माने परमत। परमत क्यों? स्व माने आत्मा, स्वधर्म आत्मा का धर्म। स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। जो आत्मा का धर्म है, मना आत्मा के बाप ने जो धर्म स्थापन किया, बिंदु बिंदु आत्मा है ना, उन बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप का नाम क्या? शिव। वो नाम कभी नहीं बदलता, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। दुनिया में पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है जो ब्रॉड ड्रामा के शूटिंग पीरियड संगम युग में ही पार्ट बजाती है, और उसका नाम शिव है। साकार शरीरधारी में प्रवेश करती है तो भी तीसरे नेत्र के रूप में सदा शिव कही जाती है। क्या कहते हैं उसको? सदा कल्याणकारी। माने बाकी दो नेत्र हैं वो कल्याणकारी नहीं है उतने सदा के लिए, लेकिन वो तीसरा नेत्र जो शिव की यादगार है वो सदा शिव। कैसा दिखाते हैं? खड़ा नेत्र, सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आता है तो अलर्ट होके खड़ा रहता है, क्या ऐसे नहीं पड़ जाए सो जाए आराम करे, दरकार ही नहीं। आराम करने की तो उनको दरकार होती है जिनको देह होती है, देह थकती है। आत्मिक स्थिति में थकान थोड़ी ही होती है, जैसे ब्रह्मवाक की मुरली में है, तुम आत्मिक स्थिति में रह करके आबू से लेकर के माउंट आबू तक चढ़ते ही चले जाओ, चढ़ते ही चले जाओ पैदल, तुम थकोगे नहीं। तो क्यों नहीं थकोगे? हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रह करके चढ़ने का काम किया ना। तो ऐसे ही जो शिव है उसके थकने की बात नहीं, इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मेरी तो रात दिन की सेवा है। क्या तुम बच्चों की तरह, तुम जो आत्मा रूपी बच्चे हो ना, भोगी, मैं तो अभोगता हूं, मेरे को सोने की दरकार नहीं। हाँ ये है कि तुम बच्चों को भी नंबरवार अपने जैसा बनाता हूं,
जब तुम संपन्न आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे तो तुम भी निद्राजीत बन जाएंगे, फिर तुम भी रात दिन सेवा करेंगे। इसलिए गीता में जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया उसका नाम क्या रखा? गुडाकेश। क्या? गुडाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी, निद्रा का स्वामी। तुम्हारे मतलब की बात है, क्या कहा है? तो बोता क्या बोला कि एक अर्जुन की बात नहीं है, है? ये जो 108 रुद्रमाला के मणके गाए जाते हैं आत्मिक स्थिति की यादगार में रहने वाले, वो सब अर्जुन है। क्या? उन अर्जुन के शरीर रूपी रथों में मैं नंबरवार प्रवेश करके पाठ बजाता हूं, उनकी शरीर रूपी इंद्रियों के घोड़ों को कंट्रोल करता हूं अपनी मन बुद्धि रूपी लगाम के द्वारा। उनकी मन बुद्धि की लगाम इंद्रियों रूपी घोड़ों की मैं अपने बुद्धि रूपी हाथ में ले लेता हूं। तो बताया कि ये जो माया है ना, मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो इस सृष्टि पर आने पर ये माया भी काम करती है और प्रकृति भी काम करती है। मैं जिस धाम का रहवासी हूं वहां न प्रकृति है, पांच तत्वों का संघार और न ये माया रूपिणी। तो जो माया मेरी बेटी है, जैसे कल बताया, वो माया बेटी अपनी मत चलाती है, लेकिन उसके झांसे में नहीं आना। माया बेटी की मत पर चल पड़े तो अच्छी तरह से तुमको गुथ लेगी। पहले पहले तो बड़ा आराम देती है ताकि तुमको विश्वास हो जाए, क्या, और बाद में अच्छी तरह से रगड़ेगी, बहुत दुख देगी। इसलिए क्या तरीका बताया कि माया से हार न खाओ? क्या बताया? माया की मत पर न चलो। माया की मत माने परम। ये क्या बात है? पर तो देह को कहा जाता है, क्या? पांच जड़ तत्वों से बनी हुई जो देह है संघात, ये प्रकृति है आत्मा की, क्या? तो ये प्रकृति जो जड़त्व में ही है वो पर है। माया कैसे पर हो गई है? इस तरह पर हो गई कि जो बड़ी पावरफुल प्रकृति है, क्या, कब बनती है पावरफुल? स्वर्ग में पावरफुल बनती है कि नरक की दुनिया में पावरफुल बनती है? नर माने मनुष्यों की दुनिया में, मनुष्यों ने कहा जाता है जो अपने चंचल मन के कंट्रोल में रहते हैं।
वास्तव में द्वापर के आदि में तो मनुष्य होते हैं, जैसे ऋषि मुनि सन्यासी वगैरह हुए, जिन्होंने मनन चिंतन मंथन करके बड़े बड़े शास्त्र लिखे, उनमें सच्चाई भी थी। तो मनन चिंतनशील थे ना, तो मन उनका उस समय सात्विक होता है। दुनिया की हर चीज पहले सात्विक, फिर सत्व प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर अति दुखदायी तमो प्रधान बन जाती है। कोई भी चीज ले लो इस दुनिया की, चाहे चैतन्य प्राणियों को ले लो कोई को, और चाहे जड़ वस्तुओं को ले लो, सबका यही हाल है। तो वो जो नर रूप में जो ऋषि मुनि होते थे भारत के, वो भी विदेश में नहीं, विदेशों में तो जो आत्माएं आकर के रूप धारण करती हैं, पहले धर्म पिताएं फिर उनके फॉलोअर्स, वो तो द्वापर युग के आदि से ही दैत्य समझो। क्या क्या दिति माता की संतान दैत्य, ये दिति माता कौन है? वास्तव में शास्त्रों में जो अपरा प्रकृति है ना, पांच जड़ तत्वों का संघात, वो ही दिति है, जो देहभानु को छोड़ ही नहीं पाती। क्या वो अपरा प्रकृति रूपी माता भगवान के संसर्ग संपर्क में भी रहे और सबसे जास्ती लंबे समय तक रहे, तो भी देहभान को नहीं छोड़ पाते। क्यों? उसके अंदर स्वभाव संस्कार ऐसा मुदा हुआ है। क्या जब तक देवताओं की सृष्टि में रहती है, जो हेवन गॉड हेवनली गॉड फादर की बनाई हुई दुनिया है, तब तक तो कंट्रोल में रहती है, अच्छे से दासी बन करके देवताओं की सेवा भी करती है, सारा कार्य संपन्न करती है। क्या वसुधैव कुटुंबकम का ढाई हजार साल का, उसके बाद अगला जो ढाई हजार वर्ष का मनुष्यों का बनाया हुआ संसार आता है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिताएं आते हैं ना, तो ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कभी पूरा, करते भी हैं तो नंबरवार करते हैं, और मन को कंट्रोल करना तो सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के कोई सिखाता ही नहीं, और वो तो आता ही है कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता है। तो नंबरवार आत्माएं पुरुषार्थ करती है, उनमें जो अव्वल नंबर है वो तो हीरो पार्टधारी मूर्तिमान शंकर आदम एडम कहा जाता है। बाकी जो आत्माएं हैं वो निराकारी स्टेज 100% पकड़ ही नहीं पाती। क्यों? कारण क्या? कारण है कि जो
त्रिकालदर्शी अखूट ज्ञान का भंडार शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहने के कारण अखूट भंडारी है ज्ञान का, सच्चाई का, सत्य का। वो सप्तधाम वासी इस सृष्टि पर आकर के जब सत्य सच्चाई अर्थात ज्ञान का पढ़ाई पढ़ाता है तो उसका जो बड़ा बच्चा है बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच, कौन? आदम। सृष्टि मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, वो संपूर्ण ज्ञान का वर्षा ले लेता है। बड़ा बच्चा है ना, तो बड़ा बच्चे को सुप्रीम सोल बाप ज्ञान देते हैं कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो और तुम ज्योति बिंदु आत्मा। सब आपस में भाई भाई, जितने भी मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र की आत्माएं हैं सब भाई भाई। माने भाई के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, सब प्राणी मात्र के साथ आत्मभाव रखना चाहिए। क्या ऐसे नहीं सांप बिच्छू है तो ये हमारा दुश्मन है, शेर है चीता है तो ये हमारा दुश्मन है, चीड़ फाड़ के खा जाएगा। क्या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। तो अपनी आत्म की दृष्टि बनाओ तो सारी सृष्टि जो है परमपिता परमात्मा शिव की आत्मा रूपी भाई भाई दिखाई देगी। तो उस अव्वल नंबर ज्ञान की स्टेज में पुरुषार्थ करते करते वो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी आत्मा आदम एडम है पूरा ज्ञान धारण करते, और जितना ज्ञान का विस्तार धारण कर लेती है उतना ही ज्यादा सार में टिक करके संपन्न बन जाती। सार माने ज्योति बिंदु, निरंतर ज्योति बिंदु की स्टेज। क्या कर्म करते भी कर्मेंद्रियों से, ज्योति बिंदु की स्टेज। आत्मा की स्मृति टूटती नहीं, श्री बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, श्वासों श्वास याद करो कि मैं हूं ही सदा के लिए ज्योति बिंदु। ज्योतिर्लिंगम गाया हुआ है ना, तो बाप आकर बताते हैं कि मेरे अंदर भी जो स्वभाव है, स्व माने आत्मा का भाव, यही मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति आत्मभाव परा प्रकृति है, मैं परमधाम वासी हूं तो मैं आत्मी की स्थिति में ही स्थित रहता हूं, परंतु वहां तो आत्मा सब जड़वत होती है। हाँ, इस सृष्टि पर जब आता हूं तो मेरे अंदर तलक पैदा होती है। क्या क्या तलक पैदा होती है कि जैसे कोई बच्चा नौजवान बनता है तो जवानी की स्टेज आने पर उसमें जो ऊर्जा तैयार होती है स्पेशल,
उस ऊर्जा को वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। उसे तलब होती है ना कि उस ऊर्जा को मैं किसी को दान करूं और सृष्टि चलाऊं, परिवार बनाऊं। तो ऐसे ही शिव की आत्मा भी 5000 वर्ष के सृष्टि काल के बाद 2500 वर्ष का स्वर्ग, 2500 वर्ष का नरक। टोटल 5000 वर्ष पूरे होने के बाद वो आत्मा पूरे 5000 वर्ष का ज्ञान परिपक्व स्टेज में धारण कर लेती है। वो ज्ञान का बीज उसके अंदर पक जाता है। इसलिए गीता में लिखा है, अहम बीज प्रदप्पिता, मैं ज्ञान का परिपक्व बीज, ज्ञान माने जानकारी, कहे की जानकारी सत्य असत्य की, सत्य की। तो इसे मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा के 5000 वर्ष की सच्ची जानकारी माने ज्ञान का बीज जब परिपक्व हो जाता है तो मैं इस सृष्टि पर आता हूं और मेरी जो आत्मिक स्थिति में रहने की जो परा प्रकृति है, स्वभाव संस्कार है ना, उसको मैं स्थिर कर देता हूं इस सृष्टि में। नहीं तो इस सृष्टि में सदा काल के लिए कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है, कोई भी प्राणी मात्र की, जिसकी आत्मा स्थिर रह सके। समझा? शक्ति छीन होती रहती है। लेकिन मैं क्या करता हूं, प्रकृति स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, मैं अपनी परा प्रकृति जो चैतन्य प्रकृति है आत्मभाव की, उसको मैं इस करके इस सृष्टि में आता हूं। और अर्जुन के रथ में प्रवेश करता हूं। क्या? जिस अर्जुन को टाइटल दिया पार्थ, पार्थ माने पृथ्वी का राजा, क्या सारी पृथ्वी का राजा माने विश्वनाथ, कौन हुआ शंकर। तो वो मूर्तिमान इस सृष्टि में जिसका पहला नाम है, जब मैं आता हूं तो सृष्टि में उसको जो भी भारतीय मनुष्य मात्र हैं वो पहचानते हैं कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है शंकर। उसका जन्म भी नहीं दिखाते, उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाते, माते वो ही एक शरीरधारी है जो अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। और षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरा 5000 वर्ष शरीर से पार्ट बजाता, परंतु अंतर क्या पड़ता है, एकदम कलयुग के अंत में प्रलयांत काल में महाविनाश में इसका शरीर एकदम तामसी बन जाता है। पिछले अनेक जन्मों में अनेक धर्म की मनुष्यात्माओं के संग के रंग में आकर के कैसा बन जाता, मैंने आत्मा भी पत्थर रह जाती है।
की जो प्रकृति है ना पांच तत्वों से बनी हुई, अनेकों के संग में आते आते जैसे प्रकृति पत्थर बन गई, ऐसे ये भी पत्थर है। तो इसके इस पत्थर बुद्धि शरीर को मैं कंट्रोल करता हूं, प्रवेश कर जाता हूं, माने रथ में प्रवेश करता हूं। क्या इस रथ की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, उनको कंट्रोल करता हूं, उन इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में लेता हूं, बुद्धि रूपी लगाम को, मन बुद्धि होती है ना आत्मा की। तो जब अपनी चैतन्य प्रकृति आत्मा को अवस्थम्य, प्रकृतिम स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, तो ऐसे करके मैं इस सृष्टि में आता हूं और अर्जुन के रथ में, जो अव्वल नंबर अर्जुन है, अर्जन करने वाला ज्ञान का, ज्ञान धन अर्जन करता है ना, जितना जो ज्ञान धन अर्जन करता है उतना जन्म जन्मांतर का भाग्यशाली बनता है। तो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन में प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता हूं, कैसे कंट्रोल करता हूं है ज्ञान देकर। ज्ञान बुद्धि में बैठता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। तो ज्योतिबिंदु आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ ही बनता है, घड़ी घड़ी आत्मिक स्थिति में रहने का प्रैक्टिस। जैसे गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा, भगवान ये मन तो बड़ा कंट्रोल है, वो चंचल है, इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल करें। तो बताया, अभ्यास है तो कौंते वैराग्य चग्रह्य थे। हे कुंती माता के पुत्र, क्या क्या करो, अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अंग्रेज लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है। तो तुम जितना अभ्यास करोगे आत्मिक स्थिति का कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, घड़ी घड़ी अभ्यास करो, श्वास श्वास अभ्यास करो, तो तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाएगा। समय तो लगता ही है, जम दे जाम दे तो होता नहीं, हथेली पर आम उगाया जा सकता है क्या, नहीं। तो भले समय लगेगा, लेकिन तुम आत्मिक स्थिति में मेरे समान परिपक्व हो जाएंगे। जैसे मैं इस सृष्टि में आता हूं, तो इस सृष्टि में आने के बाद कोई भी प्राणी मात्र की आत्मा, कोई भी धर्म पिता की आत्मा स्थिर रूप में नहीं रह सकती। क्या इस सृष्टि के जो पांच जड़ तत्वों की जो प्रकृति है, वो तीन अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान सतो सामान रजो और तमो। तो हर आत्मा को इन चार अवस्थाओं से पसार जरूर होना पड़ता है, और आत्मा जो है स्थिर नहीं रह पाती अपने स्वरूप में। तो मैं क्या करता हूं, अपनी जो परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज में रहने वाली,
परमधाम की रहने वाली है ना, तो मैं उसको स्थिर कर देता हूं। और मनुष्य आत्माएं स्थिर नहीं कर पाती है, यहां तक कि जिस हीरो पार्टधारी में मैं प्रवेश करता हूं, अर्जुन में, आदम में, जो मनुष्य सृष्टि का एक ही प्राणी है, मनुष्य है, जो सदा इस सृष्टि पर मूर्तिमान होकर रहता, चैतन्य मूर्ति, क्या उस मूर्तिमान में साकार शरीर के रथ में, शरीर रूपी रथ में मैं प्रवेश करता हूं, तो जिसमें प्रवेश करता हूं आत्मा तो है ना, बलि पत्थर बुद्धि बन गई, तो आत्मा जो है उसकी, वो भी सृष्टि में क्या है, परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज में रहने वाली है, आत्मिक स्टेज में पहले परमधाम में पहुंचती है, परमधाम की स्टेज है। और उसकी दूसरी प्रकृति है थोड़ी नीची किस्म की, वो है देह की प्रकृति, पांच तत्वों का संघात, दोनों ही प्रकृति इस मनुष्य सृष्टि में क्या एक जैसी तो नहीं होंगी। जो परा प्रकृति है वो आदि से लेकर के अंत तक अब भी विचारणी पार्ट बजाने वाली माता है, प्रकृति माता है ना, शरीर का रूप है ना, तो दूसरी जो है अपरा प्रकृति थोड़ी नीचे किस्म की, वो कैसी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल आत्मिक स्टेज में नहीं रह पाती, जो हेवनली गॉड फादर शिव इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं तब तक तो आत्म की स्टेज में रहती है, क्या नीची माता का पार्ट बजाती है, जैसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाले लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, तो वो जो लक्ष्मी है वो तो नारायण की क्या हो गई, महागौरी का पार्ट बजाने वाली परा प्रकृति हो गई, लेकिन उस लक्ष्मी से जो बच्चे की पैदाइश रचना की होती है सतयुग के आदि में, जो शास्त्रों में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाया जाता है, वो कृष्ण की रचना होती है, पैदाइश होती है, तो उस बच्चे को संभालने का काम वो प्रकृति करती है, क्या क्या कहा, पैदा करने वाली माता अलग और उसकी सेवा शुश्रूषा पालना करने वाली ये माता अलग। जैसे आज भी दुनिया में होता है, राज परिवारों में होता रहा, हिस्ट्री उठा के देख लो राजाओं की, एक जन्म देने वाली माता, दूसरी दाई माँ, बच्चा पैदा हुआ और पटाख से आके उठा लिया। तो ऐसे ही ये जो अपरा प्रकृति है वो थोड़ी नीचे किस्म की प्रकृति है, वो है देह की प्रकृति, देह भान वाली,
देहधान नहीं छूटता। और वो बढ़िया किस्म की जो है वो आत्मिक स्थिति वाली है। सृष्टि के आदि काल में भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु रूप है, जो आदि सो अंत में भी अंतिम जन्म में भी हो, कितने भी तमो प्रधान कही जाए तो भी दुनिया के अन्य प्राणियों के मुकाबले कम ही तामसी बनती है, विष्णु रूप ही होकर रहती है। पति पत्नी की दोनों की संस्कार मिले हुए रहते हैं, झगड़ा नहीं होता। नहीं तो देखो आज की दुनिया में क्या है, किसी भी घर में चले जाओ पति पत्नी में वाचा का झगड़ा जरूर हो जाएगा, दृष्टि तरह तरह की बातें करेंगे हैं? कम से कम नहीं तो संकल्पों का टकराव तो जरूर हो जाता है। लेकिन वो ऐसी परा प्रकृति है जिसका कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं, पूरी सहयोगी, जीवन संगिनी जिसको कहा जाता है। जीवन संगिनी माने जीवन में साथ निभाने वाली संगिनी या धोखा देने वाली, साथ निभाने वाली। तो उसका नाम शास्त्रों में रखा गया पार्वती। क्या मूर्तिमान शंकर की जो अपनी आत्मा है उसका नाम रख दिया जैसे पार्वती, अपनत्व। क्या सबसे जास्ती अपनत्व किससे हुआ, बच्चों से हुआ या पार्वती से हुआ? पार्वती से। फिर है देह की प्रवृत्ति, तो वो तो पांच तत्वों की है, प्रकृति के पांच तत्व हैं। वो तीन अवस्थाओं से इस सृष्टि में पसार होते रहते हैं, सत्व प्रधान, सत्व सामान, रजो और तम। तो जो मूर्तिमान शंकर पहले जन्म का काया जाता है वो भी 84 के चक्र में आकर कोई न कोई देवता के रूप में 2500 वर्ष पाठ बजाता है। फिर 2500 वर्ष के बाद जो नरों के द्वारा बनाई हुई नारकीय सृष्टि बनती है द्वैतवादी द्वापर युग से, तो उसमें फिर आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाती है। जो मुसलमानों में एक बात बनाई हुई है आदम और ईव की, के ईव ने आदम को बरगलाया। अब सवाल पैदा होता है कौन सी ईव ने आदम को बरगलाया? जो मुसलमान हैं वो तो ये बात नहीं जानते कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, एक ऊंची स्टेज की एक नीची स्टेज की। तो वो तो देहभान में रहने वाले हैं, वो अपरा प्रकृति को ही ईव नाम दे देते, आदम और ईव। और वो ईव जो है जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है ना, अगर चैतन्य बुद्धि होती तो नारायणी का पद पाती, नारायणी का तो पद नहीं पाती, वो तो दासी बनकर के स्वर्ग में देवताओं की सेवा करती है। देवताओं को तो कोई आयास उठाना नहीं पड़ता है। तो द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते अंतिम जन्म, हम वो त्रेता के अंतिम जन्म में वो आत्मा माया बेटी से प्रभावित हो जाती है। कल बताया था कौन माया बेटी, जो इब्राहिम की आत्मा आती है उसके पीछे पीछे फॉलो करती हुई जो दूसरी आत्मा आती है ना, वो कोई में तो प्रवेश करेगी है?
जैसे इब्राहिम की आत्मा सेकंड नारायण में प्रवेश करती है, दूसरी पीढ़ी का सतयुग का नारायण, ऐसे ही वो जो धर्म पिता दूसरा आता है, पहला पहला नंबर द्वैतवादी दुनिया बनाने वाला, उसके पीछे पीछे जो आत्मा आती है वो भी किसी में तो प्रवेश करती होगी है? तो जिसमें प्रवेश करती है वो कल बताया था है ही बेटी, किसकी? बाप की बेटी है क्या? बेटी बन किस तरह की बेटी? जो मां से पहले नंबर जन्म लेती है बेटी के रूप में, तो मां बाप के मुकाबले बच्ची सात्विक बुद्धि होगी या नीची बुद्धि होगी है? उसमें पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होती, तो वो ही माया बेटी जो संगम युग में आधार मूर्त माना जड़ रूप माया बेटी का काम करती है, क्या है? दुनिया के किसी भी प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को भी बाप को अच्छी तरह पहचान नहीं देती। सब प्राणी मात्र मनुष्य मात्र के सामने दीवाल बन के खड़ी हो जाती है, क्या? वो विघ्न की दीवाल है। कब से अपना वो स्वरूप शुरू करती है, आरंभ करती है? जब इब्राहिम की सोल आती है तो इब्राहिम की आत्मा तो सात्विक है। कैसी है? सात्विक आत्मा आती है तो चोला भी अच्छा धारण करेगी, है ना? हर तरीके से अच्छी अच्छी देखने में आवेगी। षष्ठ रूपी वृक्ष है ना, इसमें जो नए नए पत्ते निकलते हैं कैसे लगते हैं? बड़े है, बड़े बढ़िया आकर्षण करने वाले होते हैं। तो द्वापर युग से इब्राहिम की जो आत्मा आती है सत्यधाम से, आत्मलोक से, तो वो बहुत सुंदर होती है। जैसे और धर्म पिताएं क्राइस्ट है, बुद्ध है, गुरु नानक है, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाले, कितनी रूहानी स्टेज दिखाई पड़ती है बढ़िया से, जो भी देखे आकर्षित हो जाए। तो माया तो वास्तव में सर्वशक्तिमान, क्या? बाप की बेटी है ना, पवित्रता में मां पिता से आगे होगी या पीछे हुई? आगे। तो वो पावरफुल बेटी देखती है कि सब तो मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, बाप मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा, मां को भी मैं बरगला लूंगी। तो माता तो प्यार से भरी पूरी होती है। तो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म की माता को क्या करती है? बरगला देती है, क्या? माता को भी बरगला लेती और जो माता है उसके भी दो रूप है, आत्मिक स्टेज वाली एक बीज रूप आत्मा और वो है आधार रूप आत्मा। तो जो बीज रूप आत्मा वाली है और आधार रूप आत्मा वाली है, दोनों का मेल हो जाता है,
जैसे आत्मा रूपी बीज और शरीर रूपी वृक्ष दोनों का मेल होता है ना, तभी तो काम होता है। तो ऐसे ही उन माताओं को जो इस्लाम धर्म की माताएं हैं, आधारभूत हैं, चाहे बीज रूप में है चाहे आधारभूत में है, वो माया बेटी अपने कंट्रोल में लेती है। क्या किसको कंट्रोल में लेती है? हाँ, इब्राहिम की जो सहयोगिनी शक्ति बनती है ना, माता तो प्रभावित हो जाती है पति से, तो वो सेकंड नारायणी सतयुग की इब्राहिम से प्रभावित हुई। भारतवासियों की आदत है, भारत के दिल में बसे होने वाले जो भारतवासी हैं उनकी आदत है क्या, कोई की भी सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाते हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से। तो माया बेटी भी प्रभावित हुई इब्राहिम से, माँ भी प्रभावित होती है, और जो उनकी भी माँ है क्या, जिसमें परम पिता शिव प्रवेश करते हैं मूर्तिमान जगत पिता में, उनकी भी दो प्रकार की प्रकृति है, अपरा और परा। तो वो प्रकृति भी जो है वो ही जड़ तुम्हें, और जो इब्राहिम की बेटी है वो तो तीक्ष्ण बुद्धि वाली पवित्रता से भरपूर है, वो आत्मा जो उसमें प्रवेश करती है तो मां को कंट्रोल में ले लेती है। ये भारत की माता है, बड़े आराम से कंट्रोल्ड हो जाती है। तो अब पर प्रकृति को कहें या माया को कहें, पर किसको कहें, पर माने पराई, लिखो लिखो, पराई किसको कहें, माया को कहें या प्रकृति को कहें? माया को क्यों कहें, प्रकृति पर है। प्रकृति माने प्रकृष्ठ कृति माने देह रूपी कृति, वो ही पर है, माया क्यों पर है? देह पर है, इस शरीर में दो ही चीजें तो हैं, आत्मा और पांच तत्वों का संघात शरीर, जिसे देह की प्रकृति कही जाती है। तो जड़त्व रूप जो प्रकृति है वो पर होना चाहिए, परंतु वो माता है। क्या है? माता है। माता के मुकाबले बेटी ज्यादा पवित्रता की पावर वाली होती है या माता ज्यादा पवित्रता वाली होती है? ये तो आत्माएं स्वर्ग से जन्म लेते लेते नीचे उतरी है ना, तो आत्माएं कमजोर बनती है कि नहीं सुख भोगते भोगते? तो वो प्रकृति जो है मूल प्रकृति हो और चाहे बाद वाली प्रकृति हो अन्य प्राणी मात्र की, जो नारायण बनते हैं वो सब भारतवासी है दिन से ही, इसलिए वो बेटी के बरगलाले में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। तो माया बेटी ने बरगलाने की पावर है,
न कि प्रकृति में, माया बेटी। तो पर कौन हुई वास्तव में? पर प्रकृति हुई या प्रकृति रूपिणी माता को बरगलाने वाली हुई? पर कौन हुई? ज्यादा पर माने दुश्मन, पराया, जो हमारा नुकसान कर दे, कौन हुई? माया हुई। क्यों? क्योंकि माया बुद्धि में तीक्ष्ण है, माता इतनी तीक्ष्ण नहीं है, जड़ तो मई है बुद्धि की, है ना? है? तो ये बताया कि माया से हार नहीं खाना चाहिए, है? ये जो पर है माया, वो माया पर से अगर हार खाई तो ऐसे नहीं समझना कि हमने देवहान से हार खाई। देवहान की मूर्ति है प्रकृति, जड़ तुम्हें होने के कारण उसकी जड़ तुम्हें बुद्धि को कवर कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है माया बेटी। तो इस माया की मत पर न चलो, यानी मत देने वाली कौन है? माता है, प्रकृति रूपी माता, या माया है? है माया। ये परमत है, परमत अर्थात भूतों की मत। क्या? पंचभूत, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, है ये भी पर हैं, और इनको चलाने वाले जो विकार हैं वो भी पर हैं। तो ये सब भूतों की मत पर चलते हैं तो वो किसके बच्चे हुए, किसको सपोर्ट करने वाले, माता को या पिता को? हा? किसको सपोर्ट करने वाले? माँ अम्बा को। क्या? चाहे वो माया हो, क्योंकि मायापति भी कहा जाता है भगवान को, और प्रकृतिपति भी भगवान को कहा जाता है। क्या कहा? भगवान को पति कहा जाता है, पतियों का पति भगवान। तो वो माताएं जो हैं वो क्या हुई? अम्बा, अम्बा माने माता। तो अम्बाला पार्टी आई थी, तो ब्रह्मा बाबा की तो बुद्धि बच्चा बुद्धि है, उन्होंने समझा हाँ अम्बाला शहर है कोई स्थूल में, वहां की पार्टी आई। लेकिन उनके अंदर बोलने वाली आत्मा बेहद की बातें बोलती है, बेहद का बाप है शिव, ब्रह्मा के अंदर जो बोल रहा था वेदवाणी वो हद का बाप है, बेहद का बाप। तो वो तो बेहद में बोल रहा था कि कौन सी पार्टी आई है, अम्बाला, क्या ला? अम्बा। उस पार्टी का कोई हेड भी होगा ना, मुखिया होता है ना पार्टी लाने वाला, वो कौन होगा? अम्बाला, अम्बा को लाने वाला, जगदम्बा होती है ना बड़े पे बड़ी अम्बा, तो उसको लाने वाला मुखिया कोई होगा कि नहीं होगा, कौन? लखो लखो लखो। माया बेटी, हाँ बुद्धिमान है ना ज्यादा, वो द्वैतवादी द्वापर युग से सबकी मनुष्य मात्र की बुद्धि घुमा देती है। क्या? पहले तो उसने किसकी बुद्धि घुमाई है? ईव की बुद्धि घुमाई। ईव जिसको मुसलमानों ने पहचाना वो देह की अम्मा है, मुसलमान लोग जो हैं और इस्लामी, इस्लामियों का धर्म पिता इब्राहिम वो देवहन वाला था कि आत्माभिमान वाला था?
देहवान वाला, तो उसने अपनी देह की अम्मा को पहचान लिया। कौन देह की अम्मा हुई, परा प्रकृति या अपरा प्रकृति? अपरा प्रकृति, नीची किस्म की प्रकृति, उसका नाम उन्होंने दिया ईव। तो ईव को माया ने बरगलाया, अपनी मुट्ठी कर लिया, और ईव ने अपने पति आदम को बरगलाया। क्या बरगलाया? जो इस्लामियों का धर्म है मुख्य, देह का धर्म, क्या वो भी भ्रष्ट इंद्रियों का धर्म। भ्रष्ट इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रियां हैं कौन सी? काम इंद्रिय। काम इंद्रिय से सृष्टि चलती है, और कोई रास्ता नहीं है उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। उन्होंने तो स्वर्ग देखा ही नहीं। क्या स्वर्ग तो उन्होंने देखा ही नहीं, जो स्वस्थिति से पैदा होता है, और देवताएं भी स्वस्थिति आत्मिक स्थिति में रहने वाले होते हैं। ज्योतिबिंदु की याद रहती है, देह की उन्हें याद ही नहीं रहती, तो वो तो वो जानते हैं। तो माया ने ईव को ये बात सिखाई, क्या कि जो भ्रष्ट इंद्रियां है ना, ये बॉडी है ना, शरीर रूपी बॉडी, इस बॉडी के बीच का फल, ये जो अंग है ना, इसका सुख लो तो बस। तो पुरुष है कौन? कौन है पुरुष? आदम। और द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है तो जो भी देवताएं हैं वो क्या होता है, जन्म लेते लेते कमजोर हो गए सुख भोगते भोगते, तो उनकी बुद्धि अपनी इतनी नहीं काम करती है जितनी ऊपर सत्य धाम से आने वाली नई आत्माओं की काम करती है। तो वो उस माया के प्रभाव में आ गया पुरुष, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी कहा जाता है, वो आदम सृष्टि का आदि पुरुष, क्या वो प्रकृति के प्रभाव में आ गया। प्रकृष्ट कृति माने अम्बा, कृति माने रचना, पुरुष की रचना कौन? प्रकृति। तो वो अपरा प्रकृति के प्रभाव में आकर के जैसी वो कहती है वैसा ही कर देती है। इसलिए आज की दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, काम इंद्रिय के अधीन बन करके चलते हैं। क्या तो वो अम्बाला पार्टी आए, अम्बाला पार्टी माने अपरा प्रकृति को लाने वाली पार्टी, कौन से धर्म की होगी? जो माता को आगे कर देती और उसको लाती है अम्बा को, जगदम्बा को, माने प्रकृति को महत्व देते हैं वो, प्रकृति पति को महत्व नहीं देते। तो अम्बाला पार्टी आई है, उसका मुखिया कौन आया होगा साथ में? उनको देखो, अम्बाला पार्टी का मुखिया माया। अच्छा, अम्मा को मानने वाला, क्या बाप को पहचानने वाला ही नहीं है तो मानेगा कहां से?
जैसे सेकंड नारायण होता है, नारायणी होती है सेकंड सत्युग की, वो पूरा ज्ञान नहीं उठाती तो कम कला की रह जाती है, और कम कला की रह जाती है तो वो नीची कुरी का ब्राह्मण बनती है। वो ही नीची कुरी के ब्राह्मण द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे तो प्रकृति को महत्व देंगे, पंचभूतों के शरीर को महत्व देंगे या आत्मा को महत्व देंगे? पंचभूतों के शरीर को महत्व देते हैं। भौतिकवादी दुनिया है द्वैतवादी द्वापर युग से दैत्यों की दुनिया। तो वो अंबाला, अंबा को लाने वाली पार्टी आई, उसका मुखिया कौन हुआ? माया तो बेटी है, क्या माया? क्या है माया? बेटी है। तो वास्तव में माया बेटी है, चलो माया ही सही, बेटी ही सही, उसका कोई कंट्रोलर होगा या नहीं होगा? कौन? जगदम्बा है। जगत की अम्बा का भी कोई कंट्रोलर होगा या नहीं होगा? कृष्ण बच्चा, बच्चा कहां से कंट्रोलर हो गया? बाप, बाप कौन? है कौन बाप? प्रजापिता। प्रजापिता पिता कौन सी बेटी को जन्म देता है? बड़ी बेटी कौन सी है प्रजापिता की? प्रजापिता तो संगम युग के आदि में अर्जुन को, मूर्तिमान शंकर को, हीरो पाटधारी को नाम दिया है। 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता, माना प्रजा सारी का पिता। तो उसकी पहली पहली रचना कौन है? जो रचना पहले नहीं थी, प्रजापिता पत्थर बुद्धि का नाम है कि चैतन्य बुद्धि का नाम है? लोक, लोक। पत्थर बुद्धि का नाम है प्रजापिता, क्योंकि प्रजा सारी पत्थर बुद्धि, कलयुग के अंत में 500-700 करोड़, तो प्रजापिता भी पत्थर बुद्धि। तो शिव बाप आते हैं तो पहले पहले किसकी रचना होती है? प्रजापिता से। अरे कोई पहचान देते हैं ज्ञान के आधार पर कि नहीं? पहले पहले किसकी पहचान देते हैं? अरे आत्मा की पहचान देते हैं। अरे राम 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 राम। शिव बाप आते हैं तो किसकी पहचान देते हैं? अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे को अपनी की पहचान देते हैं? बच्चे को अपनी पहचान देते हैं। तुम शरीर नहीं हो, 5 जड़ तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा। तो जड़ तत्व का जो पुतला है वो परा प्रकृति का उसको ज्ञान हो गया, स्वभाव जिसे कहते हैं, स्वभाव, अपना भाव।
माने उस देहधारी को ये ज्ञान पहले पैदा होता है कि मैं पत्थर बुद्धि शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या हूँ? आत्मा। तो ये परा प्रकृति हो गई आत्मिक स्टेज वाली, परे के परे स्टेज में रहने वाली। उसे मालूम हो जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं, आत्मा धारण करने वाली, उनमें परे से परे पार्ट बजाने वाली आत्मा मैं हूं। जब पता लग गया तो अपने स्वभाव में प्रैक्टिस करेगा धारण होने की, स्थिर होने की। जैसे बाप आया सुप्रीम सोल, क्या तो क्या किया? प्रकृतिम स्वाम अवस्थम्य, अपनी परा प्रकृति को, हाँ परा प्रकृति को स्थिर करके आया। माने इस सृष्टि में सभी आत्माएं अपनी आत्मा रूपी जो प्रकृति है परा प्रकृति, उसको स्थिर नहीं कर पाती, और शिव ने क्या किया? स्थिर करके आया। तो जिसमें आता है उसको भी कहता है मैं आप समान बनाता हूं, तो वो भी क्या करता है? जब आत्मा का परिचय मिल जाता है तो क्या करता है, क्या प्रैक्टिस करता है? आत्मा को स्थिर करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। करता है कि नहीं? बार बार भूलती है ना कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। देह अपनी देह याद आती है, संबंधियों की देह याद आती है, संपर्कियों की देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, दुनियादारी याद आती है, आत्मा खिसक जाती है। तो वो भी स्थिर करता है, क्या करता है? अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने क्या बोला, कुछ बोला कि नहीं बोला? अरे किसका आह्वान करने के लिए बोला? बोल, लिख जल्दी से। हमारी से तो अच्छी माता जल्दी लिख लेती है। विजय माला, माला तो संगठन है कई आत्माओं का, आत्मा रूपी मणकों का। पूरी माला का आवाहन नहीं किया जा सकता, वो तो शहद की मक्खियों की रानी है ना, उसको आवाहन कर लेंगे तो सारी शहद की मक्खियां वापस आ जाएंगी। तो क्या करें, किसका आवाहन करें? एक का, हाँ लक्ष्मी का आवाहन करें। वो ही जो नारायण वाली आत्मा है, जिसे अपने स्वरूप का परिचय मिल गया कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, तो वो उसका आवाहन करती है। क्या? जिसका आवाहन किया वो ही परा प्रकृति हो प्रैक्टिकल में। क्या फिर वो लक्ष्मी जब तक महालक्ष्मी न बने, क्या दीपावली पर किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु रूप की, वैष्णवी रूप की। तो जब तक अपरा प्रकृति ना आए और दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल ना हो, अपरा प्रकृति माने महाकाली जगदम्बा का तामसी रूप और महागौरी का गोरा रूप, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के सात्विक हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो उसको कहा जाता है महालक्ष्मी। जिनके संस्कार हेवन में मिलकर के एक हो जाते हैं, भले वो देह रूपी जो है अपरा प्रकृति दासी बन करके काम करती है, प्रकृति शरीर रूपी प्रकृति फिर
फिर भी कोई बात में अपोजिशन नहीं होता महारानी के साथ। तो बताया अंबाला पार्टी आई है, किसको किसको लाने वाली, अंबाला पार्टी। उसमें हमारा लाडला कितना याद करते रहते थे, ओहो बताया नहीं, बाबा ने बता दिया हमारा लाडला कौन कौन हुआ लाडला, लिखा इशारे बाजी से बताओगे, अभी हम तो देवता नहीं बने। फिर कृष्ण बच्चा अम्बाला, अम्बा को लाने वाला कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होता है, है? माया उसकी बेटी है कि अम्बा है? माया बेटी लिख दिया। फिर संगम युगी कृष्ण, अरे संगम युगी कृष्ण पुरुष है कि नारी है, अम्बा है, जगदम्बा, ये रही ना बात, क्या जगदम्बा हुई सारे जगत की अम्बा, क्या सारा जगत है ब्रह्मा की औलाद, किसकी औलाद, ब्रह्मा। लेकिन बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, तो कोई होगा कि नहीं है? ब्रह्मा ने ब्रह्मा के बाप को नहीं पहचाना, दादा लेखराज भले पहचाना ना हो, छोटा बच्चा होता है, बच्चा बुद्धि ब्रह्मा था या नहीं, तो बच्चा बुद्धि ने अम्मा को तो पहचाना कि नहीं पहचाना, पहचाना। इसीलिए अभी लास्ट संदेश में क्या बोला है? क्या बोला, बोला कि एक नदी गुप्त नदी गाई हुई है ना, और वो गुप्त नदी है सरस्वती नदी, क्या वो ही सरस्वती नदी जो गंगा और यमुना के बीच में बहने वाली है, बीच में आती है और बीच में ही चली जाती है, जैसे ओम राधे सरस्वती बोला ब्राह्मण ने बोला ना, तो बीच में आई और बीच में चली गई। देखो उसकी भी कोई अम्मा थी ना ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री में, नहीं थी, कौन थी है? कौन थी, वो आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती अपने सृष्टि के आदि स्वरूप को किससे पहचान करके जन्म लेते हैं, हाँ जिसका नाम राधा बच्ची दिया गया, राधा बच्ची माने जो एक ही है, राधा महारानी कही जाती है, लक्ष्मी क्या राम को धारण करने वाली। तो वो तो आत्मा है, अकेली आत्मा से सृष्टि में काम चलता है क्या, नहीं, तो साकार भी चाहिए, तो साकार माता कौन थी है, बोल बोल करने वाली, इंद्रियों को
विशेष महत्व देने वाली है, वो भी सारी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भी महत्व देती है तो कर्म इंद्रियों को भी महत्व देती है। द्वैतवादी द्वापर युग में वो कौन है? अपरा प्रकृति जगदम्बा। दादा लिखराज ब्रह्मा का बाप है कोई, भले नहीं पहचाना ना, लेकिन है तो कोई ना, तो अम्मा भी तो कोई होगी। जो बाप है वो भी दो का मेल है, परम धाम से आई हुई माता वो पिता, परम पिता, और जिसमें प्रवेश करता है वो माता, दो का मेल है कि नहीं? कौन? बाप। ऐसे ही माता भी दो का मेल है, क्या? परा प्रकृति चैतन्य आत्मा और अपरा प्रकृति साकार शरीरधारी, पांच तत्वों का संघा प्रकृति। तो बताया अंबाला पार्टी आई है तो उसमें जो पार्टी लाने वाला मुखिया है वो हमारा लाडला कितना याद करते थे, क्या? कौन हुआ लाडला? जल्दी करो लिखो। शिव बाप दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में बोल रहे हैं, हैं? वो बोल रहे हैं हमारा लाडला कौन? बोलने वाले का लाडला कौन? बाप लाडला हो गया। लाडला बच्चा होता है क्या? बाप लाडला होता है। तुम्हारी शंकर लाडला हो गया। दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर कौन बोल रहा है? किसके द्वारा बोलता वो जो बोल रहा है शिव, उसका असली रूप क्या है? दादा लेखराज ब्रह्मा या उससे भी पूर्व का कोई असली रूप है? शंकर यज्ञ के आदमी, लेकिन वो लाडला नहीं है। शंकर जो मूर्तिमान है वो लाड़ क्या करता है कोई स्पेशल को? ऊपर वाला किसी को स्पेशल लाड़ला नहीं कहेगा। ऊपर वाला किसी को लाड़ला कहेगा क्या? है वो तो सबके लिए सारा समान, सभी आत्माएं उसके बच्चे। कौन लाड़ला हुआ? फिर वही कृष्ण। अरे संयुग युग का नाम लो ना, सती में पहुंच जाते। कृष्ण 16 कला संपूर्ण जो सती में बच्चा है उसका संगम में नाम क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा लाड़ला बच्चा हुआ, उसने हमारा लाडला कितना याद करते रहते थे, हैं? किसको है लाडला बच्चा? किसको याद करते थे? बाप को या अम्मा को? हैं? अम्मा को पहले याद करते रहते थे, बाद में भूल गए जब ओम राधे सरस्वती आ गई, है ना? उसको तो सहयोगी शक्ति बना लिया ना, दुनिया में होता है ना, ससुरार प्यारे भाई जब तेरे को रूप कुटुंब भाई का बता, घरवाली आ जाती है तो सब ढूंढने लगते क्या? हमारे सरस्वती आ गई तो अम्मा बोल गई। कौन अम्मा? जगदम्बा। अब हमारे सरस्वती ने भी शरीर छोड़ दिया, और जिस बच्ची को प्यार करते थे गुलजार मोहिनी,
वो भी शरीर छोड़ने वाली अंतिम सांसें ले रही, तो फिर अब वो ही माता याद आई क्या? लड़की की पावर होती है ना, वही तो बोले गुलजार करती है। दुनिया के सारे काम कौन करती है? पवित्रता की पावर। तो ब्रह्मा बाबा आज से ही जिस बच्ची को बहुत पवित्र मानते थे उसकी तरफ बड़ा आकर्षण होता था। वो बच्ची नहीं आती थी तो सारा जीवन बच्ची के प्रति बड़ा आकर्षण रहा बाबा का। तो शरीर छोड़ दिया फिर वैसी उसी में सवार हो गए, भूत प्रेत बन गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर गए। तो वो जब तक तब तक वो याद आई, अब वो भी जाने वाली तो क्या गए नया रथ याद आने लगा। वो ही जगदम्बा दोबारा जन्म लेकर के ब्राह्मण की दुनिया में आती है और ब्राह्मण की दुनिया में पुरुषार्थ करके वो जगदम्बा का पार्थधारी बन जाती। तो वो अम्बा याद आई, किसमें प्रवेश करना है? जगदम्बा महाकाली में मस्तक में कौन दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाते। तो वो याद आ, उस शरीर रूपी रथ में बाबा को प्रवेश करना। तो बता दिया उस अंतिम संदेश में क्या, ये गुप्त नदी है ना, इसको गुप्त रखना है रथ को, क्या संसार में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहता। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बच्चों के प्रभाव में आकर के धरणी माताएं जो है ना यज्ञ में ब्राह्मणियां, उनके प्रभाव में आकर के वो तो ये समझते हैं कि ये जो एडवांस पार्टी है ना, कोई डुप्लीकेट पार्टी है, वो अपने को भगवान साबित करते हैं। वास्तव में डुप्लीकेट पार्टी जो है वो डुप्लीकेट पार्टी है और हमने सूक्ष्म शरीर धारण किया है, सूक्ष्म बदन में हम एडवांस पार्टी हैं। जैसे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं, क्या मानते हैं, सूक्ष्म शरीर धारियों की एडवांस पार्टी है या कोई साकार सृष्टि पर कोई परिवार हैं जो एडवांस पार्टी है, उनकी दृष्टि में क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दृष्टि में है वो ऊपर वाली जो आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ के जा रही हैं ब्राह्मणों की दुनिया में से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से, वो है एडवांस पार्टी। इन लोगों ने अपनी डुप्लीकेट पार्टी बना ली, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा उनके प्रभाव में आ गए माताओं के। बच्चा बुद्धि है ना, तो बच्चा किसके प्रभाव में रहता है? बप्पा के प्रभाव में कि अम्मा के प्रभाव में? अम्मा के प्रभाव में रहता है तो उसकी बुद्धि भी ऐसी रहेगी। जैसे स्थूल चंद्रमा है ना, है कि नहीं, तो पृथ्वी बीच में आ जाती है माता, एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी, दूसरी तरफ चंद्रमा। तो वो चंद्रमा पृथ्वी माता के बरसावे में आ जाता है कि नहीं, है ऐसे ही वो ब्रह्मा वाली आत्मा जो बच्चा बुद्धि है, न बाप को जानती न बाप के ज्ञान को पूरा गहराई से पकड़ पाती, तो वो अम्माओं के प्रभाव में चलती। तो उसके लिए बोला कि उसने हमारा लाड़ला कितना याद करते रहते थे। किसका लाड़ला? हमारा किसने कहा? शिव ने कहा, शंकर ने कहा, किसने कहा? हाँ, शिव जी से ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं ना, वो ब्रह्मा भी बीच में इंटरफियर करके बोलता है कि नहीं है? अच्छा, उसी का लाडला है, शिव का लाडला नहीं है, है कि नहीं है? शिव का लाडला है। अगर शिव का लाडला होता तो उसको विश्व का मालिक बनाते, हीरो पांडधारी बनाते, उसको बनाया नहीं है? तो किसका लाडला हुआ? मूर्तिमान शंकर का लाडला हुआ या शिव आत्मा का लाडला हुआ? है?
हाँ, शंकर वाली मूर्तिमान आत्मा है, हीरो पार्ट धारी है ना, जो सृष्टि की याद में राधा कृष्ण जैसे बच्चों का माँ बाप बनती है जन्म देने के लिए, तो वो आत्मा बोल रही है कि हमारा लाडला हमारा क्यों कहा, मेरा लाडला क्यों नहीं कहा, नहीं। वो बच्चा जब तक नहीं समझेगा तब तक कोई की पढ़ाई पूरी नहीं होगी, इसलिए शिव ने भी कहा शंकर के द्वारा मुख से, शंकर वाली आत्मा ने भी कहा, शिव ने भी कहा, हम दोनों का लाडला बच्चा वो है, उसके लिए सारी पढ़ाई रुकी हुई है, पूरा एग्जाम रुका हुआ है। अच्छा, ओम शांति।